युवराज ममा प्लीज अब आप दोबारा अपना वो पवित्र गान शुरू मत कीजिए। मैं तंग आ गया हूँ बात सुन सुन। युवराज बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो, पवित्र जैसी अच्छी लड़की ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। ममा ना मिले तो ना सही, पर अब मैं इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरा जवाब ना है और आप इसे नहीं बदल सकती। ठीक है मत मान अपने मां की बात, मैं तो तेरी दुश्मन, कभी तेरा भला ही नहीं चाहा मैंने। मम्मा कैसी बातें कर रही हैं? आज तक तू अपने मन की ही तो करता है, कहां सुनी है तूने मेरी। ना मैंने तुझ पर कोई अपना फैसला थोपा है और मैं तुझे मजबूर भी नहीं करूंगी। अगर तेरा जवाब ना है तो कोई बात नहीं, ठीक है, पर एक बात याद रखना युवराज, ऐसा करने से तू अपनी मां का दिल हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगा। मैंने सोचा था कि जिंदगी में कम से कम मेरा बेटा मेरा मान रख लेगा, लेकिन मामा अब आप रोइए मत। तो मैं क्या करूं युवराज? मुस्कुराइए मामा, मुझे आपका फैसला मंजूर है। इसका मतलब तो? हाँ मामा, मैं पवित्रा से शादी करने के लिए तैयार हूं। आपकी खुशी में तो मेरी खुशी है। खा मेरे सर की कसम, ये बात वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था, सरप्राइज गिफ्ट। मेरे लिए? या तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाने के लिए माफी चाहती हूँ सबसे कम, पर ये सब करना मेरी मजबूरी है। बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। पहनाओगे? नहीं। या ऑफ कोर्स। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें। मैंने हर लम्हा जिसे चाहा जिसे पूजा, उसी ने यारो मेरा दिल तोड़ा तोड़ा, तन्हा तन्हा छोड़ा। मौसम मौसम था सुहाना बड़ा, मौसम मौसम मैंने देखा उसे हुआ मैं पागल, बस पल भर में आके बसी है वो मेरे मन में, उसकी कमी है अब जीवन में, वो दूर है मेरी नजरों से, क्यों उसे मैं चाहूं। ओ सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें। मैंने हर लम्हा जिसे चाहा जिसे पूजा, उसी ने यारों मेरा।
तन्या, प्लीज। इट्स ओके। आज मैं अपनी जान को अपने हाथों से खिलाऊंगा। कब तक अपने अतीत में जियोगे? अपने आज में जीना सीख लो। प्यार के छिन जाने से जिंदगी तो नहीं रुक जाती ना? भुला दो उसे, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। दिल के टूटने से दिल का धड़कना तो नहीं थम जाता ना? क्षितिज, तुम नहीं जानते यार, अपने प्यार को भुला पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। चैतन्य, प्लीज। इट्स ओके, रिलैक्स। मेनका जी, पवित्रा चाहती है युवराज को ऐसा जीवन साथी मिले जो उसकी हर इच्छा पूरी करे। अब पवित्रा ने तो राजमहल के सारे सुख त्याग दिए हैं। अब ना इसके पास कोई दौलत है ना रुतबा, ये उन सब को पीछे छोड़ आई है। अब ये गरोड़िया खानदान का हिस्सा बनने के काबिल नहीं। राजमाता, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? पवित्रा तो, मेनका जी, हम सही कह रहे हैं, पवित्रा और युवराज की शादी नहीं हो सकती। ये आप कैसी बातें कर रही हैं राजमाता? हमारे खानदान को पवित्रा की दौलत की जरूरत नहीं है। भले ही पवित्रा ने राजघराना छोड़ दिया, पर उसके संस्कार, उसके आदर्श
अभी भी उसके साथ है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। मैंने हमेशा पवित्रा को अपनी बेटी की तरह माना है और अब मैं उसे बहू के रूप में देखना चाहती हूँ। बाजी, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों पवित्रा, मुझसे कुछ शिकायत है तो मुझे बताओ ना। पवित्रा, अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई है तो मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने माफी मांगती हूं। मुझे माफ कर दो बेटा। आप ऐसी बातें मत कीजिए, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती। देखो बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे युवराज के लिए हाँ कह दो, इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो बेटा। हाँ कह दो, एक माँ की खातिर, तुम्हारे भगवान की खातिर हाँ कह दो बेटा, हाँ कह दो। अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं युवराज से शादी करने के लिए तैयार हूं। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मेरी बच्ची, मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगी। इस राजमाता को कहीं देखा है? इस राजमाता को कहीं देखा है, लेकिन कहां देखा है? बहना, बधाई हो भाभी। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। हाँ रसिक भाई, बधाई हो। बोलो ना, बोलो ना। बहना, हाँ? मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता पक्का करने से पहले हमें एक बार इनके राजमहल हो आना चाहिए। रसिक भाई, अपनी ये शक की सुई ना हर एक पर मत चलाया करो। पर बहना, मैं कहता हूँ देखने में क्या हर्ज है? रसिक, प्लीज बहना, एक बार मेरे लिए। मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे बीच रिश्ते की बात तो तय हो गई, बस युवराज के बापूजी के साथ और पूरे परिवार के साथ हम शगुन लेकर राजमाता आपके राजमहल आएंगे रिश्ता तय करने। क्या मुसीबत है, अब ये राजमहल में कहां से लाऊं?
मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, एक पल भी नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और कल तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। आई लव यू प्रीति, आई लव यू। अब हमारे प्यार को किसी की नजर नहीं लगेगी। जिस पल का हमें इतने दिनों से इंतजार था वो कल आ जाएगा प्रीति। और अब हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। आई लव यू प्रीति, आई लव यू। I love you, Preeti. Preeti? कौन है? पर कल ऐसा क्या होने वाला है? हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? भविष्य किसी और को चाहते हैं? शादी के बाद भी भविष्य की जिंदगी में कोई और है? ये सच मुझसे छुपाया गया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है भगवान, जिसे अब तक मैंने अपना समझा था वो तो मेरा कभी था ही नहीं। क्या अपने पति के प्यार पर मेरा कोई हक नहीं? आखिर तकदीर ये कैसा खेल खेल रही है मेरे साथ? क्या यही लिखा है मेरे नसीब में? वाह वाह वाह, एक खुशखबरी है, पवित्रा शादी के लिए राजी हो गई। सच? हाँ बा। पवित्रा आओ ना बेटा, आओ। बेटा बा के पांव छू। बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही नई जिंदगी की शुरुआत की जाती है। जीवती रहे। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि तुम जैसी बहू इस परिवार को मिली। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। चाय? अरे आज चाय पीने का दिन नहीं है, आज तो मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। यू सी, आई एम सो हैप्पी। आज के दिन जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली सॉल्व हो जाएगी। और आज के दिन तुम्हारा चेहरा ऐसे उठ रहा है, शो मी स्माइल, मुस्कुरा दो, दैट्स माय गर्ल। और आज के दिन सबको अपने हिस्से की हंसी मिल जाएगी। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या जमाना। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आज की रात की पार्टी में कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ? न जाने मेरी जिंदगी किस इम्तिहान से गुजरने वाली है, वक्त मेरी एक कैसी अग्नि परीक्षा लेने वाला है।